हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फोरम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की अपडेट है झारखंड एसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसने दोस्तों सीजीएल की वैकेंसी निकाली। काफी बड़े रिक्रूटमेंट होने वाले दोस्तों। अगर आप बीए पास आउट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 1000 के आसपास जो यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है, तो दोस्तों ये आपके लिए काफी बढ़िया मौका रहेगा। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के हम इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अभी से वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाले सभी जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे ऊपर लिखा हुआ है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएसएससी। अब इसके बाद यहाँ पर बताया है कि जेएसएससी सीजीएल की रिक्रूटमेंट जो है 2021 की आउट हुई है। यहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिए गए 05/2021 जो है, इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेंगे। अब इसके बाद देखिए, अगर इंपॉर्टेंट डेट की हम बात करते हैं तो दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये ऑनलाइन होगी। आप इसके लिए 15 फरवरी 2022 से लेकर 14 फरवरी 2022 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि लगभग एक महीना जो आपके पास रहेगा, 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, फीस के बारे में हमें छूट दी गई। अगर आप 16 फरवरी तक जो है अपनी फीस क्लियर करते हैं तो भी उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगर एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करते हैं तो, अगर आप दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 1000 रुपये आपकी फीस रहेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट है तो मात्र 250 यानी 250 जो आपकी फीस रहेगी। ये जो फीस है दोस्तों, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद देखिए, एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो आपकी उम्र जो है सिंपली 21 to 35 होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी उम्र 21 और 35 के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आपकी उम्र का कैलकुलेशन दोस्तों 1 अगस्त 2021 को होगा और इस दिन जो है आपकी उम्र 21 साल से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों, अगर आप तीसरों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि एससी एसटी ओबीसी से, तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। अब इसके बाद देखिए, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, आपके पास केवल बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपके पास बीए की डिग्री हो, चाहे बीकॉम की, चाहे बीएससी की, आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। टोटल जो है 956 यानी कि 956 यहाँ पर वैकेंसी निकली है। आप पोस्ट नेम के हिसाब से जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जो है वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर और प्लानिंग असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी निकली है। आप सभी वैकेंसी को यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। टोटल दोस्तों आपके 3 पेपर होंगे। पहला पेपर, पेपर 1 में दोस्तों आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद पेपर 2 में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों पेपर 3 जो है वो जनरल नॉलेज का होगा, जिसमें 150 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके बाद आपका एंट्री होगा और दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। साथ ही यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, जैसे कि डेट का जिक्र हमने पहले कर लिया दोस्तों, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं यानी अप्लाई कर सकते हैं। आपके एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल्स बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपके फोटो सन आईडी दोस्तों स्कैन होकर अपलोड होंगे। और दोस्तों, जब तक आप फीस कंप्लीट नहीं कर देते तब तक आपका जो फॉर्म है इनकम्प्लीट माना जाएगा। साथ ही दोस्तों, फाइनल सबमिशन बाद आपको अपना प्रिंट आउट ले लेना है जो कि आगे फ्यूचर में काम आ सके। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ अप्लाई ऑनलाइन करके। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपको अपनी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट लिंक लिखे हुए, तो यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म भी आप कर सकते हैं। 15 जनवरी के बाद जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि पूरी जानकारी अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर से कीजिए। काफी बड़े रिक्रूटमेंट होने वाली है दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।